हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरंभ है प्रचंड जू सीरीज आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2022 में, एसएससी सीजीएल स्पेशल 2022 में आरंभ है प्रचंड जू सीरीज आप सभी की लॉन्च की गई है। उसके मद्देनजर आज जीकी जीएस मैराथन जो क्लास नंबर 5 है में लेकर आप सभी के बीच या आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्टैटिक्स आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है आरंभ है प्रचंड नाम से सेशन, जिसमें जीकी जीएस मैराथन है। एक घंटे लगातार बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले सवालों पे चर्चा की जाती है। और इसे जो सेशन में हम पहले बात कर रहे हैं, जो इंडिया का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इसकी क्लास नंबर 5 है। हमने चार क्लासेज पहले चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समस्त चार क्लासेज देखने के बाद आज इस 5वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपकी आने वाली हर एग्जाम की तैयारी यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के साथ। और दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए अब चलते हैं और बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने देख चुका है और बात कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। जी हाँ, उत्तर के पर्वतीय भाग की बात कर रहे हैं। और इस उत्तर के पर्वतीय भाग के अंदर जो हमने तीन टाइप के पढ़ा था कि तीन हम पर्वतों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। जी हाँ, ट्रांस हिमालय पे हम बात कर चुके हैं। इसमें बात की काराकोरम की, लद्दाख की, जास्कर की, इसकी बात कर चुके हैं। फिर हमने जो कल की क्लास में बात किया वह है हिमालय के अंदर। हमने दोस्तों सबसे पहले बात की महान हिमालय के बाद में हमने जो मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद में लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पे चर्चा की। अब इन सभी पे चर्चा कर चुके हैं और आज अब समय है चर्चा करने का, वह आता है इसी के जो पूर्वांचल हिमालय है। जी हाँ, पूर्वांचल हिमालय पे आज बात करने वाले हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो चलिए आज के सेशन को आरंभ करते हैं और बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय पे। तो पूर्वांचल हिमालय की बात करने वाले हैं यहाँ से, पूर्वांचल। जी हाँ, पूर्वांचल हिमालय। आज के सेशन में पूर्वांचल हिमालय से बनने वाले जो सभी क्वेश्चन है उनकी थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी के बाद में दोस्तों यहाँ से आपके सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ से कन्फर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने जो पूर्वांचल हिमालय है उसका जो किस हिसाब से दोस्तों दृश्य है वह चित्र बनाता हूँ। जो पूर्वांचल हिमालय की स्थिति इस प्रकार से, जी हाँ, पूर्वांचल हिमालय की स्थिति है वह इस प्रकार से है। आप सभी देख पा रहे हैं जो सेवन सिस्टर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, सेवन सिस्टर्स की बात करने वाले हैं यहाँ से। जो पूर्वांचल हिमालय का नक्शा दोस्तों इस प्रकार से है, इसमें से जो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे जो राज्य है, यहाँ पे राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, यहाँ पे जो राज्य है यह है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है नागालैंड के बाद में यहाँ पे आता है, जी हाँ, मणिपुर के बाद में यहाँ पे आता है मिजोरम के बाद में यहाँ पे है मेघालय। जी हाँ, यहाँ पे है मेघालय के बाद में यहाँ पे आता है ये त्रिपुरा, इस प्रकार से है। तो चलिए अब इनका नामकरण करते हैं। तो इस जो यह आप राज्य देख पा रहे हैं यह अरुणाचल प्रदेश है। जी हाँ, यह राज्य अरुणाचल प्रदेश है और यह भारत का सबसे पूर्वी जिला भी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यह है जो नागालैंड है। जी हाँ, यह राज्य देख पा रहे हैं आप, यह नागालैंड है। नागालैंड के बाद में जो राज्य आता है वह है मणिपुर। जी हाँ, यह मणिपुर है। मणिपुर के बाद में यह जो अंतिम राज्य है यह मिजोरम है। तो यहाँ से यह मिजोरम है। मिजोरम के बाद में इधर जो यह राज्य है यह त्रिपुरा है। जी हाँ, यह त्रिपुरा है, यह त्रिपुरा है। और आप यह देख पा रहे हैं यह जो राज्य है मेघालय है। जी हाँ, यह राज्य मेघालय है। और ये जो पूरा आप जो यहाँ से ये प्रदेश देख पा रहे हैं ये पूरा, ये इधर असम है। जी हाँ, यह पूरा असम राज्य है। तो यहाँ से सेवन सिस्टर्स होती है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन राज्यों को ही सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वह कहा जाता है, या सेवन सिस्टर्स। जी हाँ, सेवन सिस्टर्स जो इन्हें ही कहा जाता है। तो चलिए अब इनके अंदर जो हिमालय का कौन सा भाग है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हिमालय का कौन सा भाग है। तो यहाँ से दोस्तों एक पर्वत आता है, यहाँ पे एक पर्वत आता है, और फिर इसके बाद में एक पर्वत यहाँ पे आता है, फिर एक पर्वत यहाँ पे आता है, और एक पर्वत दोस्तों यहाँ पे आता है, फिर इधर एक पर्वत आता है, एक पर्वत इधर आता है। दोस्तों ये क्या, एक पर्वत की श्रृंखला यहाँ पे आती है, फिर नागालैंड में एक पर्वत की श्रृंखला आती है, मणिपुर में एक पर्वत की श्रृंखला आती है, और मिजोरम में भी एक पर्वत की श्रृंखला आती है। मिजोरम है, और त्रिपुरा में भी यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आती है। उसके बाद में मेघालय की दोस्तों अपन अलग से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका नामकरण किस हिसाब से किया गया है, इन पहाड़ियों का जो
पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है तो उनकी संबंधित में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यह जो पर्वत दिख रहा है आपको, यह इसका नाम है डाफला। जी हाँ, यह नाम है इसका डाफला। फिर इसका नाम है मिरी। जी हाँ, डाफला मिरी। इसका नाम है अबोर। जी हाँ, अबोर इसका नाम है। यह पर्वत अबोर पर्वत है। और यह जो पर्वत आप देख पा रहे हैं यह है मिश्मी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम है मिश्मी। मिश्मी के बाद में बात करें अरुणाचल प्रदेश में ही एक और पर्वत है जिसका नाम है पटकोई बूम। हाँ जी हाँ, इसका नाम है पटकोई बूम। पटकोई बूम इसका नाम है। फिर बात की जाए जो यहाँ पे यह नागालैंड में है, तो नागालैंड का जो पहाड़ियां है उसे नागा पहाड़ियां कहा जाता है। जी हाँ, नागा पहाड़ियां नागालैंड की पहाड़ियों को कहा जाता है जो कि पूर्वांचल हिमालय का भाग है। फिर उसके बाद में जो मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियों की बात की जाए तो इन्हें मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां या इनका एक उपनाम और है, इनका उपनाम है जी लुसाई की पहाड़ियां। जी हाँ, लुसाई की पहाड़ियां भी इसे ही कहा जाता है। लुसाई की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां भी इन्हें कहा जाता है। तो यह इसका उपनाम है, आपको पता होना चाहिए। फिर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में भी इन पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। मिजो पहाड़ियां कहा जाता है या लुसाई पहाड़ियां। जी हाँ, मिजो, सॉरी दोस्तों, यह लुसाई पहाड़ियां है जो मिजोरम को कहा जाता है। यहाँ से मिजो पहाड़ियां है जो लुसाई, मिजो पहाड़ियां का उपनाम है लुसाई पहाड़ियां। जी हाँ, लुसाई पहाड़ियां मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। जबकि जो मणिपुर की पहाड़ियां है, मणिपुर की पहाड़ियां को लेमाटोल, जी हाँ, लेमाटोल पहाड़ियां, लेमाटोल पहाड़ियां कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इनका उपनाम भी पता होना चाहिए कि इनका उपनाम क्या है। और दोस्तों अब बात की जाए कि जो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। जी हाँ, माउंट सारामती जो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट सारामती। फिर उसके बाद में हम बात करें जो मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, ऊंची चोटी की बात की जाती है, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो उसका नाम है ब्लू माउंटेन। जी हाँ, ब्लू माउंटेन जो कि मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और कहा जाए तो मिजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी भी वही है। फिर उसके बाद में यह जो पहाड़ियां हैं इनका नामकरण किया गया है त्रिपुरा की पहाड़ियां। जी हाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियां इनका नामकरण किया गया है, त्रिपुरा की पहाड़ियां। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो पूर्वांचल हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ियां हैं जिनका नाम है डाफला मिरी अबोर, डाफला मिरी अबोर मिश्मी और पटकोईबुम नाम से पहाड़ियां हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियां कहा जाता है और जो नागा पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। या दोस्तों राज्य के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह माउंट सारामती है जो नागा पहाड़ियों में स्थित है। फिर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की पहाड़ियां, जो मणिपुर में जो पहाड़ियां उन्हें मणिपुर की पहाड़ियां कहा जाता है या एक उसका अन्य नाम उपनाम और है जिसका नाम है मेलाटोल की पहाड़ियां। तो दोस्तों मेलाटोल की, लेमाटोल की पहाड़ियां भी इसे कहा जाता है। फिर बात की हमने मिजोरम राज्य की तो मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियों का उपनाम दिया गया है लुसाई की पहाड़ियां। और पूछा जाए इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ब्लू माउंटेन होने वाली है। और इसी के साथ आपको इस प्रकार और पूछा जाता है कि मिजो पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है ब्लू माउंटेन। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पहाड़ियों का वर्गीकरण किया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो मेघालय में है, दोस्तों आप सभी को पता है काफी पहाड़ियां हैं जिनमें दोस्तों छोटी छोटी यहाँ पे काफी जो यहाँ पे पहाड़ियां हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इस पहाड़ी का नाम है इसका नाम है गारो। जी हाँ, गारो नाम है, इसका नाम है खासी, गारो खासी जयंतिया। जी हाँ, इसका नाम है जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। जयंतिया के बाद में आता है मिक्किर। जी हाँ, इस पहाड़ी का नाम मिक्किर है, इस पहाड़ी का नाम मिक्किर है और इस पहाड़ी का नाम बरेल है। जी हाँ, इस पहाड़ी का नाम जो दिया गया है वह बरेल है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो पूर्वांचल में सर्वाधिक वर्षा होती है उसका कारण है यही पहाड़ियां है जो इस रूप में है। तो बात की जाती है जब यहाँ से दोस्तों कोई भी जो जिस अपन मानसून की क्लास पढ़ेंगे तब पढ़ने वाले हैं कि जब ये इधर से हवाएं प्रवेश करती है, हवाई जब समुद्र से पानी भरकर इधर प्रवेश करती है तो यह इसमें घाटी में घुसती है और घाटी में दोस्तों इन जो पर्वतों से टकराकर यहाँ ही सर्वाधिक वर्षा करवाती है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी दोस्तों जो यह घाटी में इधर घुसेगी
तो इनके इर्द गिर्द ये ज्यादा वर्षा करवाती है। इसीलिए दोस्तों जो मेघालय का मानसिंगराम है, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा का स्थल है जो कि विश्व का है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे आर्द्र स्थल या सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वह है दोस्तों अकीरा जो कि अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, उसके ऊपर भी बातें कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप यहां से इस चित्र के माध्यम से जो पूर्वांचल हिमालय की किस हिसाब से स्थिति है वह समझ चुके होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इनका दोस्तों जो बिल्कुल एक एक राज्य का क्रमवाइज अध्ययन करते हैं कि किस राज्य में कौन सी पहाड़ियां हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एक फैक्ट पर। जी हाँ, एक फैक्ट पर बात करते हैं कि भारत, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है। जी हाँ, भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है, इस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगी भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है, तो राज्य तो होने वाला है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, राज्य तो होने वाला है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। जबकि यहाँ से पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है, तो जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, तो यह भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। जी हाँ, भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी नागालैंड की कोहिमा ही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रत्येक राज्य का नाम लेकर यहाँ से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ सेवन सिस्टर्स में बात करते हैं, भारत का पूर्वीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा कि जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है डाफला। जी हाँ, पहाड़ियों का नाम है डाफला मिरी अबोर तथा मिशमी पहाड़ियां नाम है। जी हाँ, इनका नाम है मिशमी पहाड़ियां। जो इनका नामकरण है वहां की स्थानीय जनजाति के नाम पर शिवालिक की पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जी हाँ, शिवालिक की पहाड़ियों का नामकरण किया गया है, तो दोस्तों आपसे यह पता होना चाहिए जो हमने अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें बात की पर्वत की, डाफला मिरी अबोर मिशमी और पटकाई भूमि, तो यहाँ पे जो नामकरण किया गया है शिवालिक की पहाड़ियों का वह वहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय जनजाति है उन जनजातियों के नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से आपने जो एक पर्वत देखा पटकोई भूमि, जी हाँ पटकोई भूमि पे ऊपर बात करते हैं, पटकोई भूमि पे बात करें तो पटकोई भूमि है जो अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय का भाग है। जी हाँ, जो पटकोई भूमि है यह है अरुणाचल में महान हिमालय का भाग है। दोस्तों जब हमने पिछली क्लास में महान हिमालय पढ़ा था तब उसमें देखा था कि जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा परवा पर्वत तक जो महान हिमालय का विस्तार है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ही पटकोई भूमि पर्वत है वह भी अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय का भाग ही है दोस्तों। ओके, हाँ भाग है, जो महान हिमालय का भाग है आपको यह पता होना चाहिए। और ये जो पटकाई भूमि यह है भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। जी हाँ, भारत व म्यांमार की सीमा पर है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पटकोई भूमि है वह भारत व म्यांमार की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यह एक जो दोनों देशों के मध्य स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे राज्य के ऊपर बात करते हैं, और दूसरा राज्य आता है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड में हम बात करने वाले हैं, नागालैंड की पहाड़ियों को नागा पहाड़ियां कहा जाता है। जी हाँ, नागा पहाड़ियां कहा जाता है, और नाग पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ियां कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ से जो निकल के आती है वह है माउंट सारामती। जी हाँ, माउंट सारामती जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है या जो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और नागा पहाड़ियों पर ही स्थित कोहिमा शहर भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। जी हाँ, इन जो नागा पहाड़ियां हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नागालैंड की राजधानी किस कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है यह नागा पहाड़ियों पर ही स्थित है। जी हाँ, नागा पहाड़ियों पर ही स्थित है। और जो इस राजधानी से हमसे संबंधित एक क्वेश्चन पे चर्चा की कि भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी तो दोस्तों दिशा के हिसाब से है। आप पूर्वोत्तम कहीं प्राचीन काल से नहीं समझने,
यहाँ से पूर्वोत्तम काल नहीं है, यहाँ पूर्वोत्तम या दिशा के संदर्भ में है। तो भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी भी दोस्तों यहाँ से जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से हम नागालैंड पे चर्चा कर चुके हैं, अब बात करते हैं अगले राज्य पे, मणिपुर पे। जी हाँ, मणिपुर की चर्चा करते हैं। तो मणिपुर राज्य में इन पहाड़ियों को मणिपुर की पहाड़ियां कहा जाता है, मणिपुर की पहाड़ियां कहा जाता है, या इसको लेमाटोल, जी हाँ लेमाटोल की पहाड़ियां भी, लेमाटोल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। जी हाँ, लेमाटोल की पहाड़ियां भी इन्हें कहा जाता है। तो लेमाटोल की पहाड़ियां या जो मणिपुर की पहाड़ियां, ये है दोनों मणिपुर में स्थित है। और अब बात की जाए मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध झील लोकटक झील, यहाँ स्थित है। जी हाँ, मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध झील के बारे में बात की जाए, प्रसिद्ध झील के बारे में बात की जाए तो वह है लोकटक झील। जी हाँ, लोकटक झील मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध झील है। और लोकटक झील में ही दोस्तों तैरता हुआ जो केबुल लामजाओ है, लोकटक झील में ही, लोकटक झील में ही में केबुल लामजाओ, जी हाँ केबुल लामजाओ, लामजाओ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय पार्क स्थित है, पार्क स्थित है। और ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, यह तैरता हुआ पार्क है। जी हाँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, यह भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो राज्य है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला राज्य है मिजोरम, सेवन सिस्टर्स पे बात कर रहे हैं, जिनमें चौथा राज्य है मिजोरम। मिजोरम में जो पहाड़ियां हैं इनको मिजो पहाड़ियां, जी हाँ मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। मिजो पहाड़ियां के अलावा इन्हें लूसाई की पहाड़ियां, जी हाँ लूसाई पहाड़ियां भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इनका उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पुटअप कर सकता है। तो मिजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो यहाँ से आती है ब्लू माउंटेन। जी हाँ, ब्लू माउंटेन के नाम से, ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, या मिजो पहाड़ियां लूसाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। और यहाँ पे बात की जाए कि जो एक बेसिन मोलेसिस बेसिन है, जी हाँ एक बेसिन है उसका नाम है मोलेसिस बेसिन, जी हाँ मोलेसिस बेसिन, यह भी जो मिजोरम में पाया जाता है। जी हाँ, मोलेसिस बेसिन भी जो मिजोरम में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मोलेसिस जो बेसिन है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में पाया जाता है। तो ये मोलेसिस बेसिन मिजोरम राज्य में पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, अगला राज्य है मेघालय। तो दोस्तों आप मेघालय का जो संधि विच्छेद करते हैं, दोस्तों उतनी तो हिंदी आती नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे मेघालय से है मेघधन आलय, तो मेघों का घर मेघालय या मेघों का घर इसे कहा जाता है। जी हाँ, मेघों का घर इसे कहा जाता है। तो यहाँ से मेघों का घर कहने से क्या तात्पर्य, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस जो मेघालय को मेघों का घर कहे जाने से तात्पर्य है कि यहाँ पे जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापुंजी मानसून राव है, यह इसी राज्य में स्थित है। और मेघालय राज्य में ही दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए इन्हें मेघों का घर कहा जाता है। मेघालय शब्द की बात की जाए, जो यह शब्द है, यह शब्द प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी ने दिया था। जी हाँ, शिवा प्रसाद चटर्जी ने यह शब्द दिया था। तो आपको यह पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बात की कि जो पहली हमने देखी गारो, दूसरी देखी खासी, जी हाँ गारो खासी जयंतिया, तीसरे नंबर पे देखी जयंतिया, फिर आती है चौथे नंबर पर मिकिर, मिकिर के बाद में पांचवें नंबर पर आती है रेगमा पांचवें नंबर पर है, और छठे नंबर पर हमने पहाड़ी देखी थी बरेल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेघालय राज्य के अंदर ये कितनी सारी पहाड़ियां उपस्थित है, इन पहाड़ियों में जो मानसूनी हवाएं का प्रवेश होता है, तो इन मानसूनी हवाएं ये इन्हीं पहाड़ों में टकरा कर यही दोस्तों अपना जल गिरा देती है, या अधिकतम वर्षा होती है यह इन पहाड़ियों से टकरा कर दोस्तों बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए जो सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में होती है। और जब हम यहाँ से मानसून पे चर्चा करेंगे तो यहाँ से इनका विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने जो गारो खासी और जयंतिया, जी हाँ यहाँ से गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं यह मेघालय में ही स्थित है। जी हाँ, मेघालय में स्थित है, जबकि जो मिकिर मेघमा है यह असम में स्थित है, असम की सीमा पे स्थित है। और यह जो है नागालैंड व मणिपुर की सीमा, बरेल है जो नागालैंड व मणिपुर की सीमा पर स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो चारों तीनों राज्यों के दोस्तों संपर्क में रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे
या जो ब्रेल की पहाड़ियां नागालैंड और मणिपुर की है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो गारो और खासी जयंतियों से और किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसमें बात करते हैं। तो गारो खासी जयंतिया मिक्किर पहाड़ियां मिलकर गारो खासी व जयंतिया गारो खासी व जयंतिया जयंतिया तथा मिक्किर पहाड़ियां मिलकर मिक्किर पहाड़ियां मिलकर पहाड़ियां मिलकर शिलोंग पठार बनाती है। जी हाँ, शिलोंग पठार, शिलोंग का पठार का निर्माण करती है, शिलोंग पठार बनाती है। तो दोस्तों जो शिलोंग का पठार है मेघालय, मेघालय में जो शिलोंग का पठार है वह गारो खासी जयंतिया तथा मिक्किर जो पहाड़ियां हैं चारों पहाड़ियां मिलकर शिलोंग के पठार का निर्माण करती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका एक उपनाम और है। जी हाँ, शिलोंग के पठार को, शिलोंग के पठार का उपनाम क्या है, तो इसे दोस्तों कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। जी हाँ, कार्बी कार्बी एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। जी हाँ, कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसे कहा जाता है। तो आपको यह उपनाम भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं कि जो यहाँ पे शिलोंग का पठार और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उनमें क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आती है राजमहल की पहाड़ियां, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो नामकरण है राजमहल की पहाड़ियां है, इसका नामकरण है राजमहल की पहाड़ियां। जी हाँ, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। जब दोस्तों हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तब उसमें इनके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक गैप है जो मालदा राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग के पठार को अलग करती है, वह गैप कौन सा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों जो गैप है इन दोनों में उसे मालदा गैप कहा जाता है। जी हाँ, मालदा गैप कहा जाता है, या इसको राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। जी हाँ, राजमहल, राजमहल या राजमहल गारो, गारो गैप भी इसे कहा जाता है। तो ये गैप है इस प्रकार, और इधर आता है दोस्तों जो शिलोंग का पठार है, और शिलोंग के पठार की हम चर्चा कर चुके हैं कि जो चार पर्वत है वह मिलकर शिलोंग के पठार का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आता है जो गारो, यहाँ से है गारो, गारो के बाद में आता है खासी, खासी के बाद में आती है जयंतिया। जी हाँ, खासी के बाद में जयंतिया, और फिर एक पठार है मिक्किर। यह चार पठारों का मिलकर ही दोस्तों जो शिलोंग के पठार का निर्माण करते हैं। जी हाँ, शिलोंग का पठार का निर्माण, शिलोंग का पठार का निर्माण गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के द्वारा ही होता है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वह गारो पहाड़ियों पर है, और उसका नाम है नोंगक्रेंक। जी हाँ, नोंगक्रेंक है जो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और जो खासी, जो यहाँ से जो बात करने वाले हैं अभी, जो यहाँ से खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही दोस्तों जो मासिनराव के अलावा चेरापूंजी, और चेरापूंजी और शिलोंग यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ से इसकी बात की जाए तो यह मासिनराम, जी हाँ मासिनराम है, मासिनराम है यह जो स्थान है, यह चेरापूंजी है। जी हाँ, चेरापूंजी, चेरापूंजी यह स्थल है, और यह स्थल ही यहाँ पे है जो शिलोंग है जो कि मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय की राजधानी पूछा जाए कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वह किस पठार पे स्थित है, तो शिलोंग के पठार पे तो स्थित है, लेकिन शिलोंग के पठार का निर्माण चार पहाड़ियों से होता है, गारो खासी जयंतिया और मिक्किर। इन चारों पहाड़ियों में खासी पहाड़ी है जिस पर जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, उसके अलावा जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराव चेरापूंजी है वह भी यहीं पे स्थित है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए कि जो जो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत पर है, वह गारो पर्वत पर है, और उसका जो नाम है नोंगक्रेंक है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से बिल्कुल जो चित्र के माध्यम से समझ पाए होंगे कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उन शिलोंग के पठार को अलग करने वाले गैप का नाम मालदा गैप है, मालदा गैप का उपनाम राजमहल या गारो गैप भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिलोंग के पठार पे। जी हाँ, शिलोंग के पठार पे बात करने वाले हैं, शिलोंग का पठार। जी हाँ, शिलोंग के पठार पे बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग है। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि जो शिलोंग का पठार है मेघालय में वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग का पठार है, ना कि जो अपन हिमालय की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने बात की ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, यह जो शिलोंग का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो आपसे यहाँ से यह पता होना चाहिए। अब बात करें शिलोंग के पठार की आकृति, तो यह यूरेनियम है, यूरेनियम दोस्तों यह यू है, इसका तो जो प्रतीक होता है यूरेनियम का। जी हाँ, यूरेनियम है,
यूरेनियम है, कोयला तथा लोह अयस्क का भंडार है। हाँ जी हाँ, लोह अयस्क का भंडार है, लोह अयस्क का भंडार है। तो दोस्तों शिलोंग के पठार में जो आप देख पा रहे हैं खनन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूरेनियम निकलता है, कोयला और लोह अयस्क निकलता है। शिलोंग पठार मालदा गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। जी हाँ, जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार है जो मालदा गैप से, मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो दोस्तों हमने जो ये गैप की बात की थी, मालदा गैप है, तो यह जो जो प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय पठार से दोस्तों जो शिलोंग के पठार को अलग करता है, यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए कि जो मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार है को अलग करता है, को अलग करता है, तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए अलग करता है। चलिए अब बात करते हैं शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी तो सबसे ऊंची चोटी है नोंगक्रेंग। जी हाँ, नोंगक्रेंग है जो कि शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और बात की जाए, नोंगक्रेंग गारो पहाड़ियों पर स्थित है और यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। नोंगक्रेंग हमने देखा था कि यह गारो पहाड़ियों पर स्थित है। जी हाँ, गारो पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर ये एक जो जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। जी हाँ, यहीं पर जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है, जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। तो आपको यह दोस्तों पता होना चाहिए। जो शिलोंग के पठार से मुख्य मुख्य बातें हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अभी तक जो भी पढ़ाया गया है आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों आपको जो भी कुछ भी कमेंट हो दोस्तों, जो इंडियन ज्योग्राफी एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आपको जो भी कंफ्यूजन हो वह आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी जो समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाने वाला है। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं जो हिमालय है, हिमालय का जो नदियों के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है उसके ऊपर बात करते हैं। हिमालय का पारदेशिक विभाजन, जी हाँ, हिमालय का पारदेशिक विभाजन पे बात करेंगे। और यह विभाजन भी किस आधार पर है, यह विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो यह विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। जी हाँ, नदियों के आधार पर पढ़ने वाले हैं हिमालय का पारदेशिक विभाजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंधु और सतलज। दोस्तों सिडनी बुराड ने हिमालय का पारदेशिक विभाजन किया था। तो दोस्तों यह पूछा जा सकता है कि जो सिंधु हिमालय, जो सिडनी बुराड है, इन्होंने हिमालय का, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हिमालय का पारदेशिक विभाजन किसने किया था, पारदेशिक विभाजन किसने किया था। तो जो हिमालय का पारदेशिक विभाजन किया है उनका नाम है सिडनी बुराड। जी हाँ, सिडनी बुराड ने इसका जो हिमालय का पारदेशिक विभाजन किया था। तो चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम इंडिया का जो चित्र है उस इंडिया के नक्शे के हिसाब से यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से इंडिया का जो नक्शा है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, हूबहू तो नहीं बनने वाला वह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पे इंडिया का चित्र बनाया जा सके। दोस्तों इस प्रकार से यह है जो इंडिया का नक्शा है, तो इसमें दोस्तों हिमालय का आप सभी को पता है यहाँ पे आता है, जो श्रृंखला यहाँ पे आती है, यहाँ पे श्रृंखला आती है काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम के बाद में आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद में आता है जास्कर, फिर इसके बाद में जो यहाँ से हिमालय का आरंभ होता है और हिमालय का जो भी भाग है महान हिमालय, तो महान हिमालय का इसी प्रकार से यहाँ पे महान हिमालय इस प्रकार से है। फिर उसके बाद में जो मध्य हिमालय है उसकी पीर पंजाल आती है, यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से महाभारत आती है, नागदीवा धौलाधार इस प्रकार से यह कोसी के मुहाने तक आते हैं। फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय है और शिवालिक हिमालय का भी दोस्तों यहाँ तक विस्तार है। फिर उसके बाद में इधर जो पटकोई भूम आती है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, इस प्रकार से डफला मिरी अबोर आती है, तो यहाँ से यह होता है। अब इसका विभाजन किस आधार पे किया गया उस पर बात करते हैं। तो इसके आधार का विभाजन की बात की जाती है, तो यहाँ से आप सभी को पता है जो यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इससे सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी निकल कर इस प्रकार से यहाँ पे जो पाकिस्तान के पठानकोट में इधर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह जो नदी है इसका नाम है सिंधु। जी हाँ, यह सिंधु नदी है और सिंधु नदी के अलावा यह एक नदी सतलज नदी है। सतलज नदी भी यहाँ से जो झील है राकेस्तार की झील से निकलकर जो हिमाचल प्रदेश का जो सिप्पी कला दर्रा है। दोस्तों आज ही के सेशन में हम यहाँ से दर्रों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भारत के संपूर्ण दर्रे हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक क्योंकि आज के सेशन में दर्रों पे भी बात करेंगे। यह जो सतलज नदी है
भारत के जो सिप्पी कला दर्रा है उससे प्रवेश कर दोस्तों इधर यहाँ से जो पंजाब से पानी लेकर यह फिर आगे जाकर सिंधु नदी में ही मिल जाती है। तो यह सतलज नदी है, इसकी बात की जाती है सतलज नदी। सतलज नदी के बाद में है एक नदी और आती है काली नदी। जो काली नदी है उत्तराखंड में, जी हाँ उत्तराखंड में यहाँ पे जो यह बहती है इसका नाम है काली नदी। काली नदी इसका नाम है। फिर काली के बाद में जो सिक्किम के जेमू हिमनद जेमू ग्लेशियर से नदी निकलती है वह तिस्ता नदी है। जी हाँ यह तिस्ता नदी है। और एक नदी दोस्तों यहाँ से ही दोस्तों निकलकर इस प्रकार से तिब्बत में चीन में बहती हुई भारत में दोस्तों यहाँ से जो यांग्याप दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है उससे प्रवेश कर आती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से है। तो जो हिमालय का पारदर्शिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया था सिडनी बुराड के द्वारा वह इस प्रकार से किया गया था। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले बांटा सिंधु और सतलज। जी हाँ सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे उन्होंने कहा जी कश्मीर हिमालय का नाम दिया। कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा, कश्मीर या पंजाब हिमालय जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का स्थान है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा। फिर जो सतलज नदी और काली नदी के जो मध्य का स्थान है उसे दोस्तों कुमाऊं हिमालय कहा गया। जी हाँ कुमाऊं हिमालय कहा गया। फिर उसके बाद में जो काली नदी और तिस्ता नदी का जो भी बीच का हिस्सा है उसे नेपाल हिमालय कहा गया, नेपाल हिमालय कहा गया। फिर उसके बाद में तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो स्थान है उसे असम हिमालय कहा जाता है। जी हाँ असम हिमालय कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से चार वर्गीकरण किया गया है। पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय जो सतलज नदी और काली नदी के मध्य का स्थान है। तीसरा आता है नेपाल हिमालय जो काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य का पर्वतीय क्षेत्र है। चौथा आता है तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का पर्वतीय क्षेत्र जिसे असम हिमालय कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से एक डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इनसे संबंधित फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ से सिंधु और सतलज नदी के मध्य का स्थान को क्या कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। जी हाँ या तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इन्हें कहा जाता है। इनसे और क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों तो इसकी जो हम यहाँ पे बात करें चौड़ाई की तो इसकी जो लंबाई है वह 560 किलोमीटर है। जी हाँ 560 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है कुमाऊं हिमालय कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वह नंगा पर्वत है। जी हाँ नंगा पर्वत है जो कि सिंधिया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर ही जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जी हाँ तीर्थ स्थल पे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है। तो यहाँ से अमरनाथ भी यही स्थित है। अमरनाथ भी जो सिंधिया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ वैष्णो देवी, जी हाँ वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है वह भी यही स्थित है। इसके अलावा जो चरार ए शरीफ है, जी हाँ चरार ए शरीफ का जो दरगाह है वह भी यही स्थित है। तो यहाँ से यह तीन प्रमुख मुख्य स्थल है जो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो दूसरा जो नदी क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है उस पे। तो दूसरा है सतलज से काली। जी हाँ सतलज से काली नदियों तक का जो क्षेत्र है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। जी हाँ कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो यह जो ज्यादातर है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जी हाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 320 किलोमीटर लंबा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी है नंदा पर्वत। जी हाँ नंदा पर्वत है। और यह नंदा पर्वत भी है जो यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे अब बात करें तीर्थ स्थल की बात करते हैं कुमाऊं हिमालय के। तो यहाँ पे तीर्थ स्थल आता है केदारनाथ। जी हाँ केदारनाथ आता है। उसके बाद में बद्रीनाथ आता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री आता है यहाँ से। गंगोत्री के बाद में हेमकुंड साहिब आता है। जी हाँ हेमकुंड साहिब भी यहाँ पे दोस्तों तीर्थ स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुमाऊं हिमालय के अंदर ही जो हिल स्टेशन भी है, जी हाँ हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी यहाँ पे है जिनमें है नैनीताल है। जी हाँ नैनीताल भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। नैनीताल चक्राता, जी हाँ चक्राता भी यही है। अल्मोड़ा है, जी हाँ अल्मोड़ा भी यही स्थित है। और फूलों की घाटी की बात की जाती है, फूलों की घाटी भी
जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। सॉरी दोस्तों, हमने बात की अभी तक जो सतलज और काली, दोस्तों इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुमाऊं हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा पर्वत है। और इसका जो अधिकतम विस्तार किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। तीर्थ स्थलों की बात करें तो कुमाऊं हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और इस प्रकार हेमकुंड साहिब, ये है जो तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे कुमाऊं हिमालय के जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन की बात की जाती है तो नैनीताल आता है, चक्राता आता है, अल्मोड़ा आता है और फूलों की घाटी आता है। तो यह यहाँ से कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। और चलिए आगे बात करते हैं। और जो अगला नदियों के बीच का स्थान है वह है काली नदी से तिस्ता नदी। जी हाँ, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी, काली नदी उत्तराखंड में बहती है और जो तिस्ता नदी है वह सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलकर जो उनकी आगे जाकर दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र और जो इधर से गंगा, पद्मा और जमुना नदियों में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से जो तिस्ता नदी है, तो यहाँ ये ज्यादातर जो यहाँ का इसका भाग है वह नेपाल हिमालय में है। जी हाँ, नेपाल हिमालय में है, नेपाल हिमालय में है। और इसकी दोस्तों लंबाई की बात की जाती है तो यह 800 किलोमीटर लंबा है। जी हाँ, 800 किलोमीटर लंबा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट आती है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है। यह दोस्तों जो नेपाल हिमालय की नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो नदियों का क्षेत्र है उसका नाम है तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी। तिस्ता नदी आप देख चुके हैं जेमू ग्लेशियर से निकलती है, तिस्ता व और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत में दोस्तों राक्षसताल से निकलकर भारत में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के चेमा यांगयाप यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए तिस्ता व ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। जी हाँ, असम हिमालय इसे कहा जाता है। और यहाँ से यह 720 किलोमीटर लंबा है। जी हाँ, 720 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ से सबसे ऊंची चोटी आती है नामचा बरुआ। जी हाँ, यह वही नामचा बरुआ पर्वत है जहाँ से जो पाकिस्तान में नंगा पर्वत है दोस्तों पीओके में, उससे लेकर नामचा पर्वत तक जो महान हिमालय की गणना की जाती है यह वही नामचा बरुआ पर्वत है। और इससे यहाँ से जो हिमालय है वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा पर्वत है और हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे ऊंचा भाग है यह दोस्तों, हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा। जी हाँ, हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा, जी हाँ दूसरा सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। जी हाँ, दूसरा सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। तो सबसे ऊंचा भाग हम देख चुके हैं नेपाल आता है, नेपाल हिमालय आता है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा दोस्तों यह 720 किलोमीटर है लंबा है, तो यह दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है जो 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय है, तो यहाँ से इस क्रम में यह बताया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ की जो अन्य चोटियां हैं, अन्य चोटियों की बात करते हैं। अन्य चोटियां यहाँ की, अन्य चोटियों में आता है कुल्लू कांगड़ी, कुल्लू कांगड़ी, जी हाँ कुल्लू कांगड़ी आता है और चोमो लहरी आता है। जी हाँ, चोमो लहरी भी यहाँ पे अन्य घाटियां हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, इससे संबंधित अन्य फैक्ट की बात करते हैं। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, हिमालय का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग है नेपाल हिमालय। जी हाँ, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है जिसकी लंबाई, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में जो लंबाई दी गई है वह असम हिमालय की है। जी हाँ, असम हिमालय की लंबाई दी गई है 720 किलोमीटर है। जी हाँ, 720 किलोमीटर असम हिमालय की है, नेपाल की 800 है। फिर उसके बाद में आता है पंजाब या कश्मीर। जी हाँ, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसकी जो लंबाई दी गई है वह 560 किलोमीटर है। जी हाँ, 560 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में आता है कुमाऊं हिमालय और यह सबसे छोटा जो हिमालय का भाग है कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार 320 किलोमीटर तक है। जी हाँ, 320 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा भाग है, औसत ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा भाग आता है वह नेपाल है, क्योंकि नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति है यह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और सिक्किम में दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी यहीं स्थित है। तो दोस्तों हमने देखा कि यह जो
विभाजन हम देख चुके हैं, प्रादेशिक विभाजन है, जो कि प्रादेशिक विभाजन पे चर्चा कर चुके हैं, जो सिडनी ब्राड ने किया था। सिंधु व सतलज नदी के मध्य के स्थान को कश्मीर हिमालय कहा जाता है, और सतलज से काली नदी के मध्य को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो आता है वह नेपाल हिमालय है, जो काली व तिस्ता नदियों के मध्य है, और फिर असम हिमालय जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का स्थान है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से बिल्कुल समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रादेशिक विभाजन किया है। तो दोस्तों आज की जो क्लास में अभी तक हमने चर्चा की है वह जो पूर्वांचल हिमालय पे चर्चा की है। पूर्वांचल हिमालय के अलावा हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो नदियों के आधार पर सिडनी ब्राड ने किया था उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब आज के सेशन में ही हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जी हाँ प्रमुख दर्रों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि दर्रों से SSC में एक हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जिस राज्य की बात करने वाले हैं प्रमुख दर्रों में, जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ J&K की बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ से मैप बनाते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे तो हमें थोड़ा यहाँ से जल्दी समझ में आने वाला है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ जो हूबहू भारत का नक्शा है उस हिसाब से यहाँ पे नक्शा बनाया जाए। हम यहाँ पे इसे बड़ा बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर ही दोस्तों यहाँ से समझना है, इसलिए यहाँ से यह बड़ा बनाया जा रहा है। ये दोस्तों जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वह एरिया है। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे आप सभी को पता है एक पर्वत श्रृंखला आती है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम। काराकोरम के बाद में एक पर्वत श्रृंखला और आती है जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है, काराकोरम लद्दाख। लद्दाख के बाद में एक और यहाँ से जो जास्कर है, जास्कर नाम से पर्वत श्रृंखला है वह निकलती है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है पीर पंजाल, जी हाँ पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय का भाग है जो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो यहाँ से ये तीन पहाड़ियां दी गई है, इन तीनों का नामकरण करते हैं पहले। तो यह तो है काराकोरम, जी हाँ काराकोरम है, यह है लद्दाख, यहाँ से यह है लद्दाख। लद्दाख के बाद में यहाँ पे आता है यह जास्कर, तो आप देख पा रहे हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब यहाँ से हम जो दर्रे हैं इन जो जम्मू कश्मीर के वह डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक दर्रा दिया गया है, यहाँ पे एक दर्रा दिया गया है, उसका नाम क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। एक दर्रा यहाँ पे दिया गया है, एक दर्रा यहाँ पे दिया गया है, यह तीन दर्रे हुए, और इस पीर पंजाल में भी जो दो दर्रे हैं, इन सभी दर्रों पे चर्चा करने वाले हैं, इन सभी दर्रों पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो दर्रा होता क्या है। तो दो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मध्य का जो दो ऊंचे ऊंचे पर्वतों का मध्य का स्थान जो रास्ते के रूप में आने जाने के रूप में किया जाता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप दर्रा जो शब्द है बड़े आसानी से समझ चुके होंगे। दो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मध्य का जो स्थान निम्नतम बिंदु का स्थान होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो दोस्तों ये दर्रे किस संदर्भ में बनते हैं। तो दोस्तों पहले ये एक फ्लैट जो फ्लैट पर्वत हुआ करता था इस प्रकार से, तब इनसे जो नदियों का दोस्तों बहाव होता है, पानी निकलता है, तो यह धीरे धीरे जो दोस्तों अपनी जो गर्ज है इसे गहरा करता गया, और यह इस हिसाब से दोस्तों यह टूट गया और नदियां इससे बहना जो बंद हो चुकी थी, और यह जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मध्य का स्थान बन चुका है इसे ही दर्रा कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तो हमें जो SSC CGL जो आपकी एग्जाम आने वाली है उसके संदर्भ में यहाँ पे मुख्य मुख्य बातों पे चर्चा करनी है। जब आप सभी के लिए आल एग्जाम या आल SSC एग्जाम के लिए जो आपके लिए कोर्स लाया जाएगा उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक भूगोल पढ़ाया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी यहाँ तो हमारा जो उद्देश्य है SSC CGL फोकस है उस पर करते हैं और बात करते हैं कि यह जो दर्रा लाल कलर यहाँ पे जो काराकोरम पे दर्रा दिया गया है उसका नाम ही दोस्तों इस दर्रे के इस पहाड़ी के नाम पे है, काराकोरम दर्रा, जी हाँ यह काराकोरम दर्रा है। फिर बात की जाती है इस दर्रे की, यह बुर्जिल दर्रा है, जी हाँ इसका नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इसका नाम है जोजिला दर्रा, जी हाँ जोजिला दर्रा, यह है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। फिर उसके बाद में यह पीर पंजाल दर्रा, जी हाँ यह आप देख पा रहे हैं यह दर्रा, यह पीर पंजाल दर्रा है जो अपनी पहाड़ी के नाम पर, यह पीर पंजाल दर्रा। और इसी के समीप एक और जो है जो पीर पंजाल पे स्थित है उसका नाम है बनिहाल दर्रा, जी हाँ बनिहाल दर्रा। तो आप देख पा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में मुख्य मुख्य यह पांच दर्रे स्थित है, तो इन सभी का आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा, जी हाँ बनिहाल दर्रे की बात करें, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये इसके फैक्ट पे बात करते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है जो बनिहाल दर्रा है, यह पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जी हाँ पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यह श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। फिर उसके बाद में बात करें इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जी हाँ बनिहाल दर्रे को श्रीनगर
श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा, तो है बनियाल दर्रा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है, जी हाँ, जो बनियाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जी हाँ, जम्मू कश्मीर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा आएगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो जवाहर सुरंग है इसी दर्रे में स्थित है, जी हाँ, जो जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग, यह जवाहर सुरंग भी दोस्तों बनिहाल दर्रे में ही है, जी हाँ, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, दर्रे में ही स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो जवाहर सुरंग है वह बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है या उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 इसी दर्रे से गुजरता है, जी हाँ, इस जो बनियाल दर्रे से एक मुख्य फैक्ट और जुड़ा हुआ है वह है NH 44। NH 44 क्या है, यह है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जी हाँ, भारत का सबसे लंबा, जी हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जी हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यह जो दक्षिण, इसे ही दोस्तों जो NH 44 है इसे उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है, जी हाँ, उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसे ही कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा किस जो नेशनल हाईवे को कहा जाता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 44 को भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और यह उत्तर दक्षिण गलियारा भी है। तो यह आप देख पा रहे हैं दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को यह जाकर ही कन्याकुमारी तक जोड़ता है, तो इसीलिए उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जी हाँ, जो NH 44 है यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं श्रीनगर से स्टार्ट होकर जो भारत के दोस्तों मुख्य मुख्य स्थलीय जो दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी वहां तक फैला हुआ है। तो यह श्रीनगर को जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है चेनानी नासरी, वह भी इसी में यही दर्रे से गुजरती है और उसका भी हाल ही में नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए सुरंग बनिहाल दर्रे से ही गुजरती है, आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बनिहाल दर्रे से जुड़े हुए सभी तमाम यहाँ पे इफेक्ट हम देख चुके हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है और जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है और जो NH 44 है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और दोस्तों जो बनिहाल दर्रे से जो सुरंग गुजरती है उस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग है, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, यह भी बनियाल दर्रे से ही गुजरती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे दर्रे की बात करते हैं। दूसरा दर्रा है पीर पंजाल दर्रा, जी हाँ, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जी हाँ, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्रे की बात करते हैं, वह है बुर्जिल, जी हाँ, बुर्जिल दर्रे पे बात करें तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जी हाँ, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और गिलगित कहाँ स्थित है आप सभी को पता है दोस्तों, गिलगित है जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, पीओके से जोड़ता है। यह जासकर पर्वत श्रेणी से गुजरता है, जो बुर्जिल दर्रा है यह जासकर पर्वत श्रेणी से गुजरता है, जी हाँ, जासकर पर्वत श्रेणी से गुजरता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बुर्जिल दर्रा है ये जासकर पर्वत श्रेणी से गुजरता है और जो बुर्जिल दर्रा है भारत से मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा है। यदि जिस किसी को भी भारत बुर्जिल दर्रा भारत से मध्य एशिया, जी हाँ, भारत से मध्य एशिया में प्रवेश का मुख्य दर्रा है। तो दोस्तों आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि मध्य एशिया में यदि प्रवेश करना है तो बुर्जिल दर्रे से ही किया जाने वाला है। अगला जो दर्रा है वह है जोजिला दर्रा, जी हाँ, जोजिला दर्रे पे बात करें यह जासकर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जी हाँ, यह जासकर पर्वत श्रेणी में स्थित है श्रेणी में
स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जी हाँ, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। NH1 है। जी हाँ, यहाँ पे NH1 है जो जोजिला दर्रा है। NH1 जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग से गुजरता है। जी हाँ, श्रीनगर लेह मार्ग जो जोजिला दर्रा NH1 है, यह है दोस्तों इसी दर्रे से गुजरता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो NH1 है जोजिला दर्रा से गुजरता है, जबकि जो NH44 है वह जो बनिहाल दर्रे से गुजरता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अब जो पांचवा दर्रा है उसके ऊपर बात करते हैं। वह है खारदुंगला। जी हाँ, खारदुंगला दर्रा या फिर बात करें चांगला दर्रा। जी हाँ, नाम है चांगला दर्रा। फिर बात करूं लानकला दर्रा। जी हाँ, लानकला दर्रा। दोस्तों यह नाम है, आप देख पा रहे हैं कि तिब्बत के आसपास के इस प्रकार के नाम होते हैं। जांगला दर्रा। जी हाँ, जांगला दर्रा। तो आप जो भी ये दर्रे देखे हैं, ये सभी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो दोस्तों तिब्बत से कहा जाए या चीन, जो तिब्बत है वह चीन में कंबाइंड हो चुका है, चीन से जोड़ते हैं। तो यह जितने भी दर्रे बताए गए हैं चारों, यह है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। फिर बात करें जो जम्मू कश्मीर के अंतिम दर्रा है, उसका नाम है अगिल काराकोरम दर्रा। जी हाँ, काराकोरम दर्रा जो भारत को चीन से जोड़ता है। जी हाँ, भारत को चीन से जोड़ता है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी यह है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो यह दर्रा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, काराकोरम दर्रा। तो दोस्तों इसके एग्जाम में छपने की जो प्रायिकता है वह ज्यादा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सभी दर्रों पर बात कर चुके हैं, जिनमें एक बार जो सबसे मुख्य है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के बाद में बात की पीर पंजाल, बुर्जिल जोजिला के बाद में खारदुंगला, चांगला, लानकला, जांगला और जो काराकोरम दर्रा है, इन सभी पे बात कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप जम्मू कश्मीर के सभी दर्रे हैं बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अगला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। जी हाँ, प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों यहाँ पे HP लिखा जा रहा है, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। HP को यहाँ पे लिखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों पे बात करेंगे। इनमें सबसे पहला आता है बारालाचला। जी हाँ, बारालाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, बारालाचला, रोहतांग दर्रा और सिप्पीकला दर्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं बारालाचला दर्रा पे। तो इसपे दोस्तों यह जासकर श्रेणी में स्थित है। जो यह दर्रा है यह जासकर श्रेणी में स्थित है। जी हाँ, जासकर श्रेणी में स्थित है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि यह जो जासकर श्रेणी में स्थित है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में इसे स्थित है दोस्तों। हाँ, धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है, पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। जी हाँ, जो बारालाचला दर्रा है, इस दर्रे से जो चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी निकलती है। जब यहाँ पे नदियों का सेशन पढ़ेंगे तब उस समय यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और यह जो बारालाचला दर्रा है, यह दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। जी हाँ, मनाली को लेह से जोड़ता है। तो दोस्तों आप जब भी कुल्लू मनाली से लेह जाएंगे तो इस दर्रे के बीच से गुजरना पड़ेगा। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और दूसरा दर्रा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, वह है रोहतांग दर्रा। जी हाँ, रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों यह रोहतांग, रोहतक नाम से कहीं आप हरियाणा ना समझ लेना। यह जो रोहतांग दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह है जो मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। जी हाँ, जो मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। और इसमें ही दोस्तों जो अटल सुरंग भी स्थित है। जी हाँ, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। जी हाँ, जो अटल सुरंग है भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। जी हाँ, दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। और रावी नदी इसी दर्रे से निकलती है। जी हाँ, रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी निकलती है। तो दोस्तों नदियों के संदर्भ में बात करेंगे तब यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जो रोहतांग दर्रा है वह रावी नदी निकलती है। फिर बात करते हैं सिप्पीकला दर्रा।
हिमाचल प्रदेश में जो अगला जो दर्रे पे बात करेंगे, सिप्पी कला दर्रा। जी हाँ, सिप्पी कला दर्रा। और ये सिप्पी कला दर्रा दोस्तों काफी अहम दर्रा है, क्योंकि इस दर्रे से ही जो भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। तो बात करें हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये जो दर्रा है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जी हाँ, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर बात करें यहाँ पे सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। जी हाँ, जो सतलज नदी है, सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। और यह बात की जाए, यह बृहद हिमालय में स्थित है। जी हाँ, जो सिप्पी कला दर्रा है बृहद हिमालय में स्थित है। यह दर्रा स्थित है, जो सिप्पी कला दर्रा है, इस दर्रे से भारत में जो सतलज नदी का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले राज्य के दर्रे। अगला राज्य है उत्तराखंड। जी हाँ, यूके। उत्तराखंड के दर्रों पे बात करेंगे तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे पे बात करें तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले आता है माना दर्रा। जी हाँ, माना दर्रा। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है नीति दर्रा। जी हाँ, माना दर्रा, नीति दर्रा। फिर उसके बाद में आता है लिपुलेक। जी हाँ, फिर उसके बाद में आता है लिपुलेक दर्रा। जी हाँ, लिपुलेक दर्रा। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है, वह है थांगला दर्रा। जी हाँ, थांगला दर्रा आता है। पांचवें नंबर पे आता है धर्मा दर्रा। तो दोस्तों यह दर्रे हैं जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर तिब्बत को जोड़ते हैं। ये सभी जो दर्रे हैं, यह है उत्तराखंड को, जी हाँ, ये सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और तिब्बत में भी दोस्तों जो मानसरोवर है, मानसरोवर को जो उत्तराखंड से जोड़ते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो दर्रा है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला दर्रा है, वह है, अगला राज्य पे बात करेंगे, वह है जो सिक्किम राज्य के दर्रे। जी हाँ, सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। जी हाँ, सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रों पे बात करने वाले हैं। तो यह सबसे पहले सिक्किम राज्य में दोस्तों बात करें तो दो दर्रे मुख्य हैं, नाथुला और जेलेपला। तो ये नाथुला और जेलेपला पे ही हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाथुला दर्रा। जी हाँ, नाथुला दर्रा पे बात करें तो बृहद हिमालय में स्थित तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है। यह हिमालय में तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है। जी हाँ, तिस्ता नदी जो हेमू ग्लेशियर से निकलती है, तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े और बात करें जो नाथुला दर्रा है, प्राचीन काल में जो भारत चीन व्यापारिक मार्ग था। जी हाँ, यह दर्रा था जो प्राचीन काल में भारत चीन व्यापारिक मार्ग था। जो कब था दोस्तों, प्राचीन काल में। जी हाँ, प्राचीन काल में यह है जो भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक मार्ग होता है वह था। इस दर्रे को रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो रेशम मार्ग के नाम से भी इस दर्रे को जाना जाता है। और बात की जाए जो नाथुला दर्रे को 1962 में बंद कर दिया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है जो 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, उस समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। 1962 में बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया, इसे पुनः खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पुनः खोल दिया गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी पुट अप हो जाता है, इसलिए आपको यह बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी सिक्किम के ही दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है जेलेपला। जी हाँ, नाथुला और जेलेपला दर्रा। जी हाँ, जेलेपला दर्रा है, सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। जी हाँ, जो सिक्किम राज्य को चुंबी घाटी से जोड़ता है। जी हाँ, चुंबी घाटी से जोड़ता है। और यह जो दर्रा है भारत व भूटान के मध्य स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए सिक्किम में दो दर्रे हैं, पहला है नाथुला दर्रा जो भारत व चीन के मध्य है, दूसरा है जेलेपला दर्रा जो भारत व भूटान के मध्य स्थित है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। जी हाँ, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ,
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दर्रों की बात करें तो पहला दर्रा आता है बुमडिला, जी हाँ बुमला दर्रा। फिर उसके बाद में आता है बुमडिला, बुमला के बाद में आता है बुमडिला, जी हाँ बुमडिला दर्रा आता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे तीसरे नंबर पर कौन सा दर्रा है, तो वह है यांग्याप दर्रा, जी हाँ यांग्याप दर्रा है। और यह भारत व चीन के मध्य स्थित है, भारत व चीन के मध्य स्थित है। और जो दोस्तों यह दर्रा है, इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में किस दर्रे से होता है, तो वह दर्रा है यांग्याप दर्रा, और इसी दर्रे से दोस्तों वह भारत में प्रवेश करती है। फिर इसके अलावा अन्य दर्रे हैं दीफू दर्रा, जी हाँ दीफू दर्रा है। पांचवें नंबर पे आता है पांगसाट दर्रा, जी हाँ पांगसाट दर्रा है। और छठे नंबर पे आता है लिखा पानी दर्रा, जी हाँ लिखा पानी दर्रा। दोस्तों ऊपर के ये जो तीनों है, यह जो भूटान व ये बुमला दर्रा की बात की जाती है, तो ये भूटान व अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, भूटान को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और जो यह बुमडिला दर्रा है, ये तवांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, जी हाँ ल्हासा से जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा से जोड़ता है। और भारत चीन के मध्य यह यांग्याप दर्रा है। अब बात करें जो दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा, पांगसाट दर्रा और जो लिखा पानी दर्रा है, यह भारत से म्यांमार को जोड़ता है। तो आपको दोस्तों यह पता होना चाहिए कि भारत से म्यांमार को जोड़ता है, तो यह तीनों दर्रे भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और दीफू दर्रा है जो मांडले शहर म्यांमार को जोड़ता है, जी हाँ जो दीफू दर्रा के बारे में बात की जाए, जो दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा मांडले शहर, जी हाँ मांडले शहर म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के समस्त दर्रों पे बात कर चुके हैं, मुख्य दर्रों से बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं जो राज्य है मणिपुर, मणिपुर में कितने दर्रे हैं। मणिपुर राज्य के दर्रों की बात करें तो मणिपुर में एक ही दर्रा है, उसका नाम है तुज्जू दर्रा, जी हाँ तुज्जू दर्रा। और तुज्जू दर्रा है जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, जी हाँ मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो दोस्तों आज की सेशन में हमने जो पूर्वांचल हिमालय पर चर्चा तो की ही, उसी के साथ साथ हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, किस राज्य में कितने दर्रे हैं, उन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, यदि वास्तव में आपको अच्छा लगा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधु के पास शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी जो स्टडी को दोस्तों रेगुलर रख सके। और दोस्तों जो आज आपका सेशन हुआ है, उसके अंदर हम दर्रों का भी बिल्कुल निपटान कर चुके हैं, दर्रे क्या होते हैं, किस राज्य में कितने दर्रे हैं, किस जो दर्रे से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्लास आप सभी के लिए लगाई गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इन क्लासेज में रेगुलर बने हुए हैं और आप इनका एंजॉय कर रहे हैं, और अपनी जो सीजीएल की एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है जीके की पार्ट की, जीके में दोस्तों भूगोल पे सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, तो यह आप काफी जो समझ पा रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की दोस्तों जो आरंभ है प्रचंड सेशन से किसी प्रकार की समस्या है, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का बिल्कुल 100% समाधान किया जाएगा। चलिए अब दोस्तों समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद जय भारत।